नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। दक्षिणी फ्रांस में स्थित एक शिपिंग हैंगर पर रोज की तरह आज की रात भी एक आलसी सा सन्नाटा पसरा हुआ था। समुद्री जहाजों और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए दैत्यकाय पार्ट्स बनाने वाली CNIM नामक एक फ्रेंच कंपनी के इस हैंगर पर 24 घंटे सिक्योरिटी रहा करती थी और आज की इस रात भी मेन गेट पर तैनात दो सिक्योरिटी गार्ड्स किसी तरह अपना टाइम काटने का प्रयास कर रहे थे कि तभी इनकी नजर दूर से आ रही दो हेडलाइट्स के ऊपर पड़ती है। आंखों के आगे अपना हाथ लाते हुए दोनों गार्ड सामने देखने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ सेकंड बाद अजीब सी आवाज कर रही एक फिएट 127 गाड़ी इनसे कोई 200 गज की दूरी पर आकर रुक जाती है। इस टाइम एक गाड़ी को इधर आते देख थोड़े से कंफ्यूज हो चुके गार्ड्स आगे बढ़ते हैं तो गाड़ी के अंदर से बला की खूबसूरत दो जवान लड़कियां बाहर निकल आती हैं। कैन यू प्लीज हेल्प अस, हमारी ये खटारा गाड़ी ना बार बार खराब हो रही है। इनमें से एक लड़की फ्रेंच में कहती है तो दूसरी वाली मुस्कुराते हुए गार्ड्स के और ज्यादा पास आ जाती है। वो हम ब्रिटिश टूरिस्ट हैं और यहाँ रिवेरा पर नाइट आउट के लिए आए थे। हमारी गाड़ी खराब हो गई, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। वैसे हम ड्रिंक्स के लिए पास वाली बार जा रहे हैं, आप भी चलोगे? विल हैव अ फन नाइट टुगेदर। इस वीरान हैंगर में इतनी सुंदर लड़कियों को अपने साथ फ्लर्ट करते देख इन दोनों गार्ड्स में उनकी मदद करने की एक होड़ सी मच जाती है। फटाफट कुछ टूल्स इकट्ठा कर ये दोनों फिएट गाड़ी को ठीक करने में लग जाते हैं और वो दोनों लड़कियां इनके साथ फ्लर्ट करने में पूरी तरह इन लड़कियों की बातों में डूब चुके गार्ड्स इधर इनकी गाड़ी ठीक कर रहे थे और उधर मोसाद की किदौन यूनिट के 5 अत्यंत शातिर ऑपरेटिव्स इस हैंगर की दीवार फांदना शुरू कर चुके थे। अत्यंत खामोशी और तेजी से अंदर घुसने के बाद ये ऑपरेटिव सबसे पहले हैंगर के अंदर रखे दो पहाड़ रूपी सिलेंडर्स में विस्फोटक प्लांट करते हैं और फिर अपने डेटोनेटर्स में टाइम सेट करने के बाद ये दीवार फांद बिल्कुल वैसे ही वापस चले जाते हैं जैसे कि ये अंदर आए थे। 5 मिनट बाद हैंगर के बाहर खड़ी उन दोनों लड़कियों की फिएट गाड़ी भी ठीक हो जाती है और इन गार्ड्स को पास ही स्थित एक बार में मिलने का वादा कर ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। फिल्मों की हीरोइंस जैसी दिखने वाली ये दोनों लड़कियां भी मोसाद की ही अंडरकवर एजेंट्स थी। ठीक इसी समय हाथों में हाथ डाले एक प्रेमी जोड़ा हैंगर से थोड़ी दूर सड़क पर वॉक कर रहा था। बुरी तरह प्यार में डूबे आदमी औरत एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी इस आदमी की नजर उस फिएट गाड़ी पर पड़ती है जो अभी अभी हैंगर से निकली थी। ये देखते ही ये दोनों आदमी औरत अचानक दौड़ना शुरू कर देते हैं और थोड़ी दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ यहाँ से गायब हो जाते हैं। अपने काले बालों को हेयर जेल से पीछे की तरफ चिपकाए इस आदमी का नाम था माइक हरारी और ये मोसाद की अत्यंत घातक हिट यूनिट CSRA का हेड था। इसके प्रेमी की एक्टिंग कर रही औरत भी मोसाद की एक एजेंट थी और इसका कोड नेम था टमारा। इन सभी कैरेक्टर्स के यहाँ से गायब होने के ठीक 25 मिनट बाद जमीन दहला देने वाला एक जोर का धमाका होता है। और देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटे इस फ्रेंच हैंगर को अपनी चपेट में ले लेती हैं। कोई 20 मिनट बाद मौके पर पहुंची फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां इस बिल्डिंग को तो पूरी तरह ध्वस्त होने से किसी तरह बचा लेती हैं, लेकिन इसके अंदर रखे इक्विपमेंट को नहीं। अंदर रखा करोड़ों डॉलर्स का इक्विपमेंट जिसे बनाने में CNIM को पूरे 2 साल का समय लगा था। इक्विपमेंट जो आगे चल के इराक के सनकी तानाशाह सद्दाम हुसैन को एक दिन परमाणु ताकत बनाने वाला था। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही फ्रांस का द इकोलॉजिस्ट नामक एक संगठन इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन फ्रेंच इंटेलिजेंस समेत दुनिया की कोई एजेंसी उनके ऊपर विश्वास नहीं करती क्योंकि सब जानते थे कि पूरी दुनिया में केवल एक ही संगठन है जो फ्रांस के अंदर घुस ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन खुद फ्रांस समेत किसी में इतना गूदा नहीं था कि बिना पुख्ता सबूत उस संगठन का नाम अपनी जुबान पर ला सकें।
Jerusalem, a violent war rages on. 60 और 70 का दशक मिडल ईस्ट की राजनीति के लिए एक काफी रोचक समय था। इसराइल के ज्यादातर डिफेंस और इंटेलिजेंस संसाधन लेबनान में व्यस्त थे, लेकिन छोटा सा यहूदी देश लेबनान ही नहीं बल्कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, और ऐसे ही एक दुश्मन का नाम था इराक। इसराइल का विनाश चाहने वाले शिया बहुल देश के पास एक विशाल काय फौज थी। ऊपर से IDF को यह चिंता सता रही थी कि जॉर्डन की फौज को अपने साथ मिला इराक उसके विरुद्ध एक अभेद्य ईस्टर्न फ्रंट खोल सकता है, और ऐसा कभी ना हो पाए इसके लिए मोसाद ने 60 के दशक से इराकी धरती पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। साल 1969 की शुरुआत से ही इराक में एक्टिव मोसाद के एजेंट्स को एक नाम बार बार सुनने को मिल रहा था, सद्दाम हुसैन अल तिकरीती। बगदाद का कसाई कहा जाने वाला बात पार्टी का एक नेता, जिसे अभी एक साल पहले इराक की रेवोल्यूशनरी काउंसिल का वाइस चेयरमैन बनाया गया था, यानी कि इराकी फौज और इंटेलिजेंस का सेकंड इन कमांड। अत्यंत तेज रफ्तार से ताकत बटोर रहा सद्दाम हुसैन बचपन से केवल दो ही सपने देखता आ रहा था, पहला इस्लामी दुनिया का सर्वशक्तिशाली सलादीन रूपी सुल्तान बनना, और दूसरा इस दुनिया के नक्शे से कुछ भी करके इसराइल का नामो निशान मिटाना। बहुत ही कम समय में सद्दाम इराक के कुर्दों के लिए एक दानव बन बैठा था, दानव जो अपने ही लोगों के ऊपर बारूद की बारिश करवा रहा था, फूड सप्लाईज रोक उन्हें भूखा मार रहा था, और जो बेचारे गलती से जिंदा बच जाएं उन्हें टॉर्चर चैम्बर्स में डाल मौत की भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा था। सद्दाम के अत्याचारों से परेशान हो चुके इराक के कुर्द बार बार मोसाद से उसे खत्म करने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उस समय इसराइल की प्रधानमंत्री रही गोल्डा मीर ऐसा करने को तैयार नहीं हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुर्द अपना मुंह बंद नहीं रख पाएंगे और उनके लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय विवाद जन्म ले लेगा, और उनका ऐसा सोचना निराधार भी नहीं था, क्योंकि ये वो समय था जब दुनिया की दोनों सुपर पावर USSR और अमेरिका सद्दाम से दोस्ती करने के लिए मरी जा रही थीं। लेकिन इस समय गोल्डा मीर को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा सद्दाम इसराइल के लिए ज्यादा बड़ा सरदर्द बन बैठेगा। 1971 में केवल 34 वर्ष का रहा सद्दाम एक एक कर अपने सभी राजनीतिक विरोधियों को ऊपर भेज चुका था, और 1979 में वो अपने जिगरी दोस्त और इराक के राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर का तख्ता पलटकर इराक का एक बेलगाम तानाशाह बनने वाला था। सद्दाम की आंखों में ज्यूज यानी के यहूदियों के जीवन का मूल्य कूड़ेदान में पड़े कचरे से ज्यादा नहीं था। वो इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा एक नया मिडिल ईस्ट बनाना चाहता था, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं थी। अपने भाषणों में सैकड़ों बार वो इस बात का खुला ऐलान जो कर चुका था। वो इराक ही नहीं बल्कि समूचे मिडिल ईस्ट का तानाशाह बनना चाहता था, और इसका केवल एक ही तरीका था, पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद करके उसे नए सिरे से खड़ा करना, और इसके लिए उसे परमाणु हथियार चाहिए थे। अपने शैतानी सपने को पूरा करने के लिए 1973 में सद्दाम द्वारा इराक का सबसे पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाता है, एक शांतिपूर्ण और सिविलियन प्रोजेक्ट के मुखौटे में शुरू किया गया प्रोग्राम, जिसके ऊपर सद्दाम अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहा रहा था। बगदाद का एक कसाई अब किसी भी कीमत पर परमाणु बॉम्ब बनाना चाहता था, उसके पास डॉलर्स की भी कोई कमी नहीं थी, और इस समय की जियोपॉलिटिकल स्थिति कुछ ऐसी थी कि अमेरिका और रशिया समेत यूरोप के कई देश भी उससे दोस्ती करना चाहते थे। ऐसे ही एक यूरोपियन देश का नाम था फ्रांस। 70 के दशक में फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इराक के साथ हथियारों की कई डील साइन करते हैं, और ऐसी एक डील के तहत वो इराक को कुल 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेचने वाले थे, एक छोटा 100 किलोवाट का आइसिरिस क्लास रिएक्टर और दूसरा 40 मेगावाट का बड़ा ओसाइरिस क्लास रिएक्टर, जिसकी क्षमता को 70 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता था। फ्रांस के साथ हुई इस परमाणु डील से सद्दाम इतना ज्यादा खुश था कि अपने इस प्रोग्राम का नामकरण भी खुद उसने अपने हाथों से ही किया था, प्रोजेक्ट ओजीरैक। दुनिया को सुनाई गई कहानी के अनुसार इराक में ऊर्जा पैदा करने के लिए सद्दाम ये प्रोग्राम शुरू कर रहा था, पर फ्रांस जानता था कि ऊर्जा उत्पादन के लिए तो इतने बड़े रिएक्टर की आवश्यकता होती ही नहीं।
लेकिन हाँ, हथियारों के फ्यूल को प्रोसेस करने के लिए आपको इतना बड़ा रिएक्टर जरूर चाहिए होता है। ओसायरिस क्लास रिएक्टर की कोर में 93% की शुद्धता वाले 12 किलोग्राम यूरेनियम को प्रोसेस किया जा सकता था। यूरेनियम की एक मात्रा जो परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। वैसे भी ये वो समय था जब सद्दाम को किसी का कोई भय नहीं था। वो खुलकर इस बात को मान रहा था कि इसराइल जैसी परमाणु शक्ति का सामना करने के लिए आवश्यक है कि अरबी दुनिया के पास भी अपना खुद का परमाणु हथियार हो। 8 सितंबर 1975 के दिन पेरिस के लिए निकलने से पहले दिए एक इंटरव्यू में सद्दाम कहता है, इन रिएक्टर्स को बनाने का हमारा उद्देश्य भले ही परमाणु बम ना हो, लेकिन यह फ्रेंच इराकी समझौता परमाणु ताकत बनने की दिशा में अरबी दुनिया का सबसे पहला कदम है। दुनिया के सामने तो फ्रांस भी यही कह रहा था कि इन रिएक्टर्स का प्रयोग इराक में ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अच्छे से पता था कि सद्दाम इन रिएक्टर्स के साथ आखिर क्या करने वाला है। और ये जानते हुए भी फ्रांस उसके साथ हुई अपनी इस डील को आगे बढ़ा रहा था। सद्दाम से मिले $2 बिलियन ने फ्रेंच राजनेताओं की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट जो कर दिया था। इस डील के तहत अरबों डॉलर्स के अलावा फ्रांस को इराक से तेल के इंपोर्ट पर भी भारी छूट मिलने वाली थी। जल्दी CNIM जैसी फ्रांस की कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाती हैं। पेरिस और बगदाद को सेंटर बना इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक ज्वाइंट मैनेजमेंट का गठन कर दिया जाता है और बगदाद में कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़ी दूर 2000 फ्रेंच इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के लिए अत्यंत आलीशान अपार्टमेंट्स भी बनवा दिए जाते हैं। इराक और फ्रांस का विनाशकारी तमाशा देख इसराइल अब चाहकर भी चुप नहीं बैठ सकता था। उसे कुछ भी करके इराक के इस परमाणु प्रोग्राम में सेंध लगानी थी और इसके लिए उस समय मोसाद के सेकंड इन कमांड रहे नहू मदमोनी मोसाद अमान और विदेश मंत्रालय की एक ज्वाइंट टीम का गठन करते हैं। टीम जिसे कोड नेम दिया जाता है न्यू एरा। न्यू एरा के अंडरकवर एजेंट्स जानते थे कि उनके लिए इराक के मुकाबले फ्रांस में ऑपरेट करना कहीं ज्यादा आसान रहेगा, इसीलिए इनको यूरोपियन बिजनेसमैन और नेटो मिलिट्री ऑफिसर्स का कवर दिया जाता है और फिर ये पेरिस में काम कर रहे इराकी वर्कर्स को टारगेट करने में लग जाते हैं। मिशन की शुरुआत में तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस बार भाग्य इसराइल के साथ है। मोसाद को पेरिस में काम कर रहे एक ऐसे इराकी साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है जिसका बेटा कैंसर से जूझ रहा था और ये वैज्ञानिक इराक में चल रहे अपने बेटे के इलाज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहूदा गिल नामक मोसाद का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर यूरोप की एक न्यूक्लियर सेफ्टी कंपनी का CEO बन इस इराकी वैज्ञानिक से मिलता है और उसे पैसों के बदले इराकी परमाणु प्रोग्राम के ट्रेड सीक्रेट्स बेचने के लिए मना लेता है। देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में, और मोसाद को मिली ये सफलता उसकी एकमात्र सफलता बनकर रह जाती है। हुआ कुछ यूं था कि प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ समय बाद ही सद्दाम पागलपन की हद तक शक्की हो गया था और इस प्रोग्राम में काम कर रहे इराकी साइंटिस्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को डराने के लिए उसने उनकी आंखों के सामने अपने ही कुछ अधिकारियों को मौत के घाट उतरवा दिया था। इराकी परमाणु प्रोग्राम में डायरेक्टर रहे खिदीर हमजा ने वो भयावह दृश्य खुद अपनी आंखों से देखा था। वो एक बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला दृश्य था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो एक नरसंहार नहीं बल्कि हमारे लिए संदेश था कि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन मोसाद के पास अन्य सोर्सेज की भी कोई कमी नहीं थी। फ्रांस के हजारों नागरिक इस प्रोग्राम में अलग अलग पदों पर काम कर रहे थे, जैसे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, सेक्रेटरीज और मिड लेवल के मैनेजर्स। इनमें से कुछ को पैसे से खरीद लिया जाता है तो कुछ यहूदी होने के नाते अपने आप ही इसराइल की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही एक यहूदी एसेट 1000 पन्नों की एक प्रोजेक्ट बुक अपने मोसाद हैंडलर को दे देता है। इस बुक के अंदर फ्रांस और इराक के बीच हुई एक एक डील विस्तार में लिखी हुई थी। मोसाद तुरंत इस बुक की एक कॉपी बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे डॉक्टर रफेल ओफेक को भिजवा देती है। उस किताब से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि बगदाद के तुएत न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर बनी उस प्रोजेक्ट साइट का लेआउट जहां पर रिएक्टर्स और लेबोरेटरीज का निर्माण किया जा रहा था।
प्रोजेक्ट बुक का एनालिसिस पूरा होते ही इसराइल की सिग्नल इंटेलिजेंस ब्रांच यूनिट 8200 द्वारा एक टॉप सीक्रेट टास्क फोर्स का गठन कर दिया जाता है। अपोकलिप्स कोड नेम वाली ये टास्क फोर्स बिना कोई समय गवाए पेरिस में काम कर रहे इराकियों के फोन्स को टैप करने के अलावा उनके ऑफिसेज में बग्स प्लांट करना भी शुरू कर देती है। अगले कुछ महीनों के दौरान मोसाद द्वारा इराक के इस परमाणु प्रोग्राम के ऊपर इंटेलिजेंस का अंबार लगा लिया जाता है और इस इंटेलिजेंस को सामने रख अब इसराइल दुनिया से गुहार लगाने लगता है कि भगवान के नाम पर इस प्रोग्राम को तुरंत बंद करवा दिया जाए। लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। इसे इसराइल का वहम बता दुश्मन और दोस्त दोनों ही उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। और तो और इसराइल के प्रधानमंत्री मेनाहिम बेगिन को घरेलू स्तर पर भी कोई खास समर्थन नहीं मिल पाता। फ्रांस को मनाने के लिए इसराइल के विदेश मंत्री मोशे दायन पेरिस यात्रा पर जाते हैं लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है और फ्रांस की तरह अमेरिका और यूके से भी इसराइल को केवल निराशा ही हाथ लगती है। इधर इसराइल के डिप्लोमेटिक प्रयास एक के बाद एक औंधे मुंह गिर रहे थे और उधर इराक एक परमाणु ताकत बनने की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री बेगिन और ज्यादा हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। सद्दाम जैसे एक सनकी तानाशाह के हाथों में परमाणु हथियार आने का मतलब क्या था ये उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं थी और इसीलिए नवंबर 1978 में हुई सिक्योरिटी कैबिनेट की एक मीटिंग में वो इराक के ओसायरस रिएक्टर का संपूर्ण विनाश करने की अनुमति दे ही देते हैं। इस मीटिंग के ठीक 6 महीने बाद फ्रांस में बने उस हैंगर के परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं जहां इराकी रिएक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाए जा रहे थे। मोसाद को लगता है कि इससे इराकी परमाणु प्रोग्राम कम से कम 2 साल पीछे तो चला ही जाएगा लेकिन उसका यह आकलन पूरी तरह गलत था। एक बात जिसे मोसाद समझने में बार बार चूक कर रहा था वो ये कि सद्दाम के पास अपने नागरिकों के लिए भले ही पैसे ना हो लेकिन परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और परमाणु ताकत बनने के लिए वो अपने ही देश के लोगों को भूखा मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। हैंगर पर हुए हमले के बाद भी सद्दाम की अकड़ में कोई कमी नहीं आती और वो प्रोजेक्ट ओजीरैक को समय सीमा में ही पूरा करने का सख्त आदेश जारी कर देता है। फ्रेंच वैज्ञानिक उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि सिलेंडर्स को जल्दबाजी में रिपेयर करना रिएक्टर्स की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और केवल एक ही साल के भीतर उसे इन सिलेंडर की केसिंग को बदलना पड़ जाएगा। लेकिन इन सब बातों का सद्दाम के ऊपर कोई असर नहीं होता और आखिरकार फ्रांस भी उसके सामने हार मान ही लेता है। इसराइल समझ जाता है कि ऐसे हल्के फुल्के धमाकों से बगदाद के कसाई की हिम्मत नहीं टूटने वाली और इसीलिए अब वो इराकी वैज्ञानिकों को एक एक करके ऊपर भेजना शुरू कर देता है। लेकिन मोसाद की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्रोग्राम में काम कर रहे इराकी वैज्ञानिक बहुत ही कम देश से बाहर आए जाए करते थे और इराक में उन तक पहुंचना यदि असंभव नहीं तो लगभग असंभव जरूर था। वैसे अच्छी बात ये थी कि अपने वैज्ञानिकों के अलावा सद्दाम ने इजिप्ट के कुछ जाने माने वैज्ञानिकों को भी इस प्रोग्राम में रखा हुआ था और ऐसे ही एक वैज्ञानिक का नाम था यहिया अल मशाद। मशाद इजिप्ट की अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर फिजिक्स का प्रोफेसर हुआ करता था और इस समय इराक के तुएत न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पर काम कर रहा था। एक विदेशी होने के कारण मशाद के ऊपर वैसे प्रतिबंध नहीं लगे हुए थे जैसे कि इराकी वैज्ञानिकों को झेलने पड़ रहे थे। उसे नियमित रूप से इराक इजिप्ट और फ्रांस के बीच यात्रा करने की अनुमति मिली हुई थी और फरवरी 1980 की शुरुआत में मोसाद उसके हर मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर चुकी थी। वो जब भी पेरिस या फिर पेरिस के पास बने फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी में आता तो मोसाद के कुछ एजेंट्स उसके पीछे एक परछाई की तरह लगे होते थे। जून की शुरुआत में फ्रांस द्वारा इराक को यूरेनियम की पहली खेप भेजने की तैयारी की जा रही थी जिसका इस्तेमाल छोटे वाले आईसीरिस रिएक्टर में किया जाना था और सद्दाम के आदेश पर इस यूरेनियम का क्वालिटी चेक करने मशाद को पेरिस आना था। इराकी स्पेशल फोर्सेस के 2 बॉडीगार्ड्स हर समय एक साई की तरह मशाद के साथ चिपके रहते थे और ऐसे हाईली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स के रहते मशाद तक पहुंच पाना कतई संभव नहीं था। इसीलिए मोसाद निर्णय करती है कि उसे इनडायरेक्ट तरीके से जहर देकर मारा जाएगा। इसराइल के आईबीआर द्वारा तैयार किया गया एक विशेष जहर जिसे मोसाद के एजेंट्स को किसी भी तरह मशाद के शरीर में पहुंचाना था। मोसाद को मिले इंटेलिजेंस के अनुसार मशाद 3 दिनों के लिए यानी के 16 जून तक पेरिस में रुकने वाला था लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पर वो अपनी ये ट्रिप छोटी कर देता है।
अब वो अपने परिवार से मिलने के लिए अगले दिन की सुबह इजिप्ट निकलने वाला था। बिल्कुल एंड टाइम पर हुए इस बदलाव का मतलब था कि अब मोसाद के एजेंट्स अपने ओरिजिनल प्लान को अंजाम नहीं दे सकते थे और एक नए प्लान को बना एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास केवल एक रात का समय था। मशाद पेरिस के सबसे आलीशान ला मेरिडियन होटल में रुका हुआ था और वो नहीं चाहता था कि उसके दोनों बॉडीगार्ड्स भी एक इतने महंगे होटल में रुकें। इसीलिए वो उन दोनों से किसी दूसरे होटल जाने को कहता है और थोड़ी सी नानकुर करने के बाद वो इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। मशाद को जानने वालों के अनुसार वो एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्तित्व का आदमी था और पैसे की फिजूल खर्ची उसे जरा भी पसंद नहीं थी। लेकिन आज की शाम अपने बॉडीगार्ड्स को दूसरे होटल भेजने का कारण पैसे का नहीं बल्कि काम का लोभ था। तेरह जून को शाम के लगभग 6 बजे मशाद अपने होटल रूम में प्रवेश करता है और नहाने धोने के बाद होटल की लॉबी में जाकर बैठ जाता है। टूना सैंडविच के साथ विस्की का एक पैग लगाने के बाद वो 9th फ्लोर पर स्थित अपने कमरे की तरफ वापस लौटने लगता है और ठीक इसी दौरान मोसाद के हिट टीम के 2 एजेंट्स इस फ्लोर के कॉरिडोर में जाकर छिप जाते हैं। इनमें से एक एजेंट का नाम था कार्लोस और इसराइल की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का हर आदमी औरत उसके बारे में एक बात जरूर जानता था कि यदि एक बार कोई टारगेट कार्लोस का चेहरा देख ले तो फिर वो अपने जीवन में कुछ और देखने के लिए जीवित नहीं रह पाता। लेकिन आज की शाम मोसाद का प्लान इतना लेट चेंज हुआ था कि खुद कार्लोस को भी नहीं पता था कि वो आखिर क्या करने वाला है। वो अपने साथ एक पिस्टल जरूर कैरी कर रहा था लेकिन ऊपर से मिले आदेश के अनुसार होटेल्स में बंदूकों का प्रयोग सख्त मना था, क्योंकि होटेल्स के कमरे चारों तरफ एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बंदूक से निकली गोलियां अक्सर दीवारों को भेद मासूम सिविलियंस को लग जाया करती हैं। रात के 9:30 बज चुके थे। मशाद को कैसे ठिकाने लगाया जाए कार्लोस अभी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। एक अत्यंत सुंदर लड़की बाहर निकलती है और मशाद के रूम नंबर 9041 के बाहर पहुंच दरवाजा नॉक करने लगती है। कोई 10 सेकंड बाद कमरे का दरवाजा खुलता है और बड़े ही प्यार से इस लड़की का हाथ पकड़ते हुए मशाद उसे अपने साथ कमरे के अंदर ले जाता है। कार्लोस समझ जाता है कि हो ना हो ये लड़की जरूर एक वैश्या है और वो कारण भी जिसके चलते मशाद ने अपने बॉडीगार्ड्स को दूसरे होटल भेज दिया था। कोई 4 घंटे मशाद के साथ बिताने के बाद वो लड़की उसके कमरे से बाहर आ जाती है और मशाद के गाल पर किस करने के बाद लिफ्ट की ओर वापस चल पड़ती है। इस लड़की के लिफ्ट में घुसते ही कार्लोस चारों तरफ कुछ ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजर लिफ्ट एरिया में रखी एक बड़ी सी स्टील की एस्ट्रे पर पड़ती है। लगभग 3 फुट लंबी इस एस्ट्रे को अपने हाथों में उठा कार्लोस इसका अच्छे से निरीक्षण करने लगता है। असल में वो ये पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि इसका एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ब्लेड निकाल लो। जैसे ही कार्लोस ये कहता है उसका साथी एजेंट अपनी जेब से एक लेदरमैन चाकू निकाल लेता है, जिसके बाद ये दोनों एजेंट्स रूम नंबर 9041 की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे भाई कौन है इस टाइम? नींद में अलसाया मशाद ये कहता है तो अपनी आवाज को थोड़ा बदलते हुए कार्लोस उत्तर देता है, होटल सिक्योरिटी सर, वी आर रियली सॉरी लेकिन अभी जो आपकी गेस्ट आई थी उनके बारे में कुछ बात करनी है। इसके 5 सेकंड बाद कार्लोस और उसके साथी को मशाद के कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अगले दिन की सुबह हो जाती है और चेकआउट करने का टाइम आकर चला जाता है। फ्रंट डेस्क से कई बार रूम नंबर 9041 में कॉल की जाती है और दरवाजा भी खटखटाया जाता है लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं आता। ये देख मशाद के बॉडीगार्ड होटल मैनेजमेंट के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं और शाम के 4:30 बजे को सिक्योरिटी गार्ड्स रूम नंबर 9041 का दरवाजा आखिर खोल ही देते हैं और अंदर का दृश्य देखते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। खून से लथपथ मशाद का प्राणों से विहीन शरीर फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके चेहरे की हालत तो कुछ ऐसी हो चुकी थी कि अब उसका अंतिम संस्कार खुले ताबूत में करना संभव नहीं था। पहली नजर में फ्रेंच पुलिस को एक केस किसी प्रकार के सेक्स गेम से जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि मशाद के कमरे से एक भी चीज चोरी नहीं हुई थी
उसके बटवे में रखे यूरोज, उसकी सोने की अंगूठी और सूटकेस समेत हर एक चीज अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही रखी हुई थी। जल्द ही पेरिस में रहने वाली उस वेश्या को ढूंढ लिया जाता है जो 13 जून की रात मशाद से मिलने आई थी। खुद को मैरी एक्सप्रेस बुलाने वाली इस लड़की के साथ चली कुछ घंटों की पूछताछ में पुलिस को विश्वास हो जाता है कि उसका हत्या से कोई कनेक्शन नहीं है और इसीलिए उसे अपने घर जाने की अनुमति भी दे दी जाती है। लेकिन जाने से ठीक पहले वो पुलिस को बताती है कि उस रात उसने 9वीं मंजिल के कॉरिडोर पर दो हट्टे कट्टे आदमियों को भी देखा था। जल्द ही फ्रेंच अथॉरिटीज को विश्वास हो जाता है कि ये मोसाद का ही किया धरा है, लेकिन उनके पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। हाँ, सबूत के नाम पर अगर कुछ था तो हर रात खुद को बेचने वाली पेरिस की मैरी एक्सप्रेस। मशाद की हत्या के दो हफ्ते बाद एक दिन मैरी अपने घर के पास बने सुपरमार्केट जाने के लिए सड़क पार कर रही होती है कि तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी उसे रौंदते हुए निकल जाती है। यही आल मशाद और मोसाद के बीच मौजूद एकमात्र कनेक्शन को इस दुनिया से मिटा दिया गया था और अब मोसाद के हिट लिस्ट में लिखे अगले नाम की बारी थी। मशाद के मारे जाने के 3 हफ्ते बाद ब्रिटेन में पढ़े लिखे सद्दाम के इराकी इंजीनियर को जिनीवा जाना था। सलमान रशीद अल्लमी नाम के इस इंजीनियर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोटोप सेपरेशन के ऊपर ट्रेनिंग के लिए पूरे 2 महीने जिनीवा में रहना था और मोसाद को अपना काम करने के लिए इतना समय काफी था। केवल एक बॉडीगार्ड के साथ जिनीवा आए सलमान की ट्रेनिंग अच्छी खासी चल रही थी और उसके इराक वापस लौटने में केवल 1 हफ्ते का समय रह गया था कि 8 सितंबर 1980 के दिन उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। जिनीवा में डॉक्टर्स को लगता है कि या तो सलमान को फूड पॉइजनिंग हो गई है या फिर वो किसी वायरस की चपेट में आ गया है। लेकिन इससे पहले कि वो इस वायरस का पता लगा पाते, 6 दिनों तक बुरी तरह तड़पने के बाद सद्दाम का ये वैज्ञानिक भी दुनिया छोड़ ऊपर चला जाता है। ऑटोप्सी में पता चलता है कि सलमान रशीद नाम के इस इंजीनियर को किसी वायरस ने नहीं बल्कि जहर ने मारा है। लेकिन ये जहर कौन सा था और उसके शरीर में कैसे पहुंचा, 1000 कोशिशों के बावजूद भी स्विस डॉक्टर्स इस बारे में कुछ पता नहीं लगा पाते। सलमान रशीद के 2 हफ्ते बाद एक और इराकी इंजीनियर फ्रेंच एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पेरिस आता है। अब्दुल रहमान रसूल नामक ये सिविल इंजीनियर इराक के परमाणु प्रोग्राम में बिल्डिंग्स बनवाने के लिए जिम्मेदार था। कॉन्फ्रेंस के बाद हुए गाला डिनर में शामिल होने के बाद रहमान को उल्टी दस्त लग जाते हैं। फूड पॉइजनिंग का केस मान उसे पेरिस के एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां 5 दिन रहने के बाद वो भी सांसें लेना बंद कर देता है। सितंबर 1980 में ही इराकी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे फ्रेंच वैज्ञानिकों को बेनाम चिट्ठियां मिलने लगती हैं। चिट्ठियां जिनमें साफ लिखा हुआ था कि यदि उन्होंने सद्दाम के प्रोग्राम से इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें और उनके परिवार को ऊपर जाने से कोई नहीं बचा सकता। अपने वैज्ञानिकों के साथ ऐसा होता देख सद्दाम गुस्से के मारे पागल हो जाता है और मारे गए अपने वैज्ञानिकों का नाम लिए बिना इसराइल को सार्वजनिक रूप से धमकियां देना शुरू कर देता है। इधर सद्दाम इसराइल को धमकाने में लगा हुआ था और उधर उसके वैज्ञानिकों में घोर दहशत फैल चुकी थी। इराकी वैज्ञानिक देश से बाहर ट्रैवल करने को तैयार नहीं हो रहे थे और फ्रेंच वैज्ञानिकों ने थोक के भाव इस्तीफे देने शुरू कर दिए थे। लेकिन इस सबका इराक के परमाणु प्रोजेक्ट पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। हर मारे गए या रिजाइन कर चुके साइंटिस्ट की जगह सद्दाम और भी ज्यादा आदमी भर्ती करने लगता है और देखते ही देखते वो समय भी आ जाता है जब फ्रांस द्वारा इराक को 12 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम के 2 ऑर्डर सप्लाई किए जाने थे। आखिरकार मोसाद के डायरेक्टर यत्साक होफी प्रधानमंत्री बेगिन के सामने अपने हाथ खड़े कर ही देते हैं। आई एम रियली सॉरी सर, बट आई गिव अप। इन टारगेट हिट्स और सैबोटेज ऑपरेशन से हम उनके प्रोजेक्ट को बस थोड़ा डिले कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि परमानेंट डैमेज करने के लिए अब हमारे सामने केवल एक ही रास्ता है, इराकी फैसिलिटी के ऊपर एयर अटैक। मोसाद चीफ के इस चरमपंथी परामर्श पर इजरायली नेतृत्व 2 धड़ों में बढ़ जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री बेगिन, डिफेंस मिनिस्टर एरियल शरोन और IDF चीफ रफेल इटैन हर उस तर्क को सिरे से खारिज कर देते हैं जो इन एयर स्ट्राइक्स का विरोध कर रहा था।
ये तीनों ही लोग मोसाद चीफ का पूरा समर्थन कर रहे थे और इनका मानना ये था कि इराकी रिएक्टर के ऊपर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अटैक करना होगा, क्योंकि यदि एक बार उस रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया तो फिर उसके ऊपर अटैक करने का मतलब होगा रेडिएशन लीक और उस लीक की चपेट में आने वाले इराक के लाखों मासूम सिविलियंस। ऑपोजिशन की तरफ से आ रहे दबाव के बीच प्रधानमंत्री बिगेन अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ कई मीटिंग्स करते हैं और सभी ऑप्शंस पर विचार करने के बाद सद्दाम हुसैन के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बॉम्ब्स गिराने की अनुमति दे देते हैं। डॉक्टर रफेल उफैक भी इन मीटिंग्स में हिस्सा लिया करते थे और इस आखिरी वाली निर्णायक मीटिंग में YDF चीफ की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब अगर आप लोगों ने एयर स्ट्राइक का मन बना ही लिया है तो इतना समझ लीजिए कि बॉम्ब से एक रिएक्टर को बर्बाद करना कोई आसान काम नहीं होता। एक रिएक्टर के संपूर्ण विनाश के लिए ज़रूरी है कि उसके इंटरनल पूल तक पहुंचा जाए जहां यूरेनियम की रॉड्स को डुबाकर रखा जाता है, और इसके लिए आपको काफ़ी शक्तिशाली बॉम्ब चाहिए होंगे। 7 जून 1981 के दिन शाम को ठीक 4 बजे सिनाई के एज़ियन एयरबेस से IEF के 8 F-16 प्लेन्स बगदाद के लिए टेक ऑफ कर जाते हैं। सद्दाम के परमाणु सपने को खाक में मिलाने के लिए निकले इन F-16s को 6 F-15 फाइटर्स एस्कॉर्ट कर रहे थे, जबकि 60 और एयरक्राफ्ट्स को इस ऑपरेशन में सपोर्ट के लिए डिप्लॉय किया गया था। इन एयरक्राफ्ट्स में से कुछ बोइंग विमान थे जिनका काम मिड एयर रिफ्यूलिंग करना था। एक बोइंग के अंदर एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया था। इंटेलिजेंस उपलब्ध कराने के लिए हॉकाई प्लेन्स भी आकाश में उड़ रहे थे और दुर्भाग्यवश यदि कोई प्लेन क्रैश कर जाता तो रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए 1 दर्जन हेलीकॉप्टर्स पूरी तरह तैयार थे। F-16s को एस्कॉर्ट कर रहे F-15 फाइटर्स इराकी MiG-21 प्लेन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा आधुनिक थे। इनके अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इंस्टॉल किए गए थे जो जमीन पर मौजूद दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के रडार को बड़े ही आराम से जाम कर सकते थे। इसराइली एयरबेस से बगदाद स्थित वैत रिसर्च सेंटर का यह हवाई सफर 600 मील का होने वाला था और इस सफर के दौरान इजरायली प्लेन्स को उत्तरी सऊदी अरब और दक्षिणी जॉर्डन के ऊपर से होते हुए गुजरना था। F-16s के पायलट्स को अपने प्लेन 300 फीट की अत्यंत कम ऊंचाई पर उड़ाने थे जिससे कि वो इराकी, जॉर्डेनियन और सऊदी रडार्स की पकड़ से दूर रह सकें। शाम के ठीक 5:30 बजे सूरज ढलने से पहले 8 इजरायली F-16 टारगेट लोकेशन पर पहुंच नोज पोजीशन में ऊपर चढ़ने लगते हैं और 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कलाबाजियां मारते हुए ठीक 35 डिग्री के एंगल पर अपने बॉम्ब्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक ये फाइटर जेट्स हजार हजार किलोग्राम के बॉम्ब्स रिएक्टर के गुंबद पर गिराते हैं। इनमें से आधे बॉम्ब्स को कॉन्टैक्ट पर फटना था तो आधों को कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद तबाही मचानी थी। 8 में से 7 इजरायली पायलट्स का निशाना ठीक अपने टारगेट पर जाकर लगता है और ड्रॉप किए गए 16 में से 12 बॉम्ब्स रिएक्टर के गुंबद के ठीक ऊपर जाकर गिरते हैं। इजरायली F-16s को अपने ऊपर मंडराते हुए देख इराकी फौजियों के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। वो पूरी तरह आश्चर्यचकित हो चुके थे और कुछ ऐसा ही हाल F-16 के पायलट्स का भी था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी टॉप सीक्रेट परमाणु फैसिलिटी के ऊपर अटैक करना इतना ज्यादा आसान आखिर कैसे हो सकता है। इस पूरे हमले के दौरान इराक द्वारा जमीन से एक भी मिसाइल फायर नहीं की जाती। हाँ, जब अपना काम पूरा करने के बाद F-16s वापस मुड़ रहे होते हैं तब कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उनके ऊपर फायरिंग करने का प्रयास अवश्य करती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद सभी के सभी इजरायली प्लेन्स बिना एक खरोंच के सुरक्षित अपने एयरबेस पर वापस पहुंच चुके थे। इजरायली एयरफोर्स द्वारा किए गए सरप्राइज अटैक में कुल 11 लोग मारे जाते हैं जिनमें 10 इराकी फौजी और 1 फ्रांस का टेक्नीशियन शामिल था। आधी रात के बाद बगदाद के बहुत ऊपर मंडरा रहे हॉकाई प्लेन्स में लगे कैमरास की फुटेज यूनिट 8200 के वॉर रूम में ट्रांसमिट होने लगती है। फुटेज जिसमें सद्दाम का परमाणु रिएक्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई पड़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बिगिन के लिए कॉन्फर्मेशन काफी नहीं थी।
वो लोकेशन पर मौजूद किसी व्यक्ति से सुनना चाहते थे कि इराकी परमाणु रिएक्टर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और इसके लिए भी उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। सुबह के ठीक 3 बजे यूनिट 8200 द्वारा तुएत न्यूक्लियर फैसिलिटी से की गई एक फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया जाता है। इस कॉल में लोकेशन पर मौजूद एक इंजीनियर एक इराकी जनरल को रिएक्टर का आंखों देखा हाल बता रहा था। इस इराकी इंजीनियर के अनुसार उसने सबसे पहले रिएक्टर के पूल को ही ढूंढने का प्रयास किया था और चारों तरफ फैले मलबे में काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी उसे पूल का कोई नामो निशान नहीं मिल पाया था। इराक की राजधानी पर दिन दहाड़े की गई इन सफल एयर स्ट्राइक्स के 3 हफ्ते बाद एक बार फिर मैनहाइम बिगिन को जश्न मनाने का मौका मिलता है। इसराइल की जनता ने एक बार फिर उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुन लिया था। प्रोजेक्ट ऑज इराक की तबाही के साथ ही इसराइली इंटेलिजेंस की प्राथमिकताओं में इराक का नाम सबसे नीचे चला जाता है। उनके अनुसार ये एक ऐसी मार थी जिसके बाद सद्दाम हुसैन को हार माननी ही माननी थी, लेकिन इस बार भी सद्दाम को ले इसराइल का मूल्यांकन पूरी तरह गलत था और उसकी अगली चाल इसराइल की अपेक्षाओं के ठीक उलट होने वाली थी। अर्जेंटीना की यूनिवर्सिटी ऑफ बुएनोस आयरेस के न्यूक्लियर फिजिक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक प्रोफेसर एक दिन हाफ टाइम के बाद अपने ऑफिस पहुंचता है। आज की सुबह उसे एक कंपनी द्वारा मीटिंग के लिए बुलाया गया था। अर्जेंटीना की एक कंपनी उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट के तौर पर हायर करना चाहती थी और इस कंपनी के ऑफिस में चली 3 घंटे लंबी मीटिंग के बाद इस प्रोफेसर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। बहुत ज्यादा घबराया हुआ यह प्रोफेसर एक के बाद एक सिगरेट पीता हुआ अपने ऑफिस में पड़ी कुछ डायरीज के पन्ने खंगाल रहा था। वो एक नंबर ढूंढने का प्रयास कर रहा था लेकिन घबराहट के मारे उसके हाथ नहीं चल रहे थे। कोई 15 मिनट बाद किसी तरह वो फोन नंबर उसके हाथ लगता है तो अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझा वो मेज पर रखा अपना फोन उठा लेता है, लेकिन नंबर डायल करते करते रुक जाता है और फोन का रिसीवर वापस नीचे रख बहुत ही हड़बड़ी में अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है। यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकल कोई 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये प्रोफेसर एक पीसीओ से वो नंबर करता है। हेलो, मैं थॉमस बोल रहा हूँ। आपको बताना था कि टूर्नामेंट फिर से शुरू हो गया है। अर्जेंटीना और इजिप्ट की टीम साथ में खेल रही हैं और इस बार फुटबॉल नहीं बल्कि बेसबॉल खेला जाएगा। और हाँ, टूर्नामेंट का नाम है कॉन्डर। असल में प्रोफेसर मोसाद का एक डबल एजेंट था और आज जिंदगी में पहली बार इसके हाथ इतनी बड़ी इंटेलिजेंस लगी थी। इसके द्वारा अपने हैंडलर को दिए गए मैसेज का मतलब था कि इराक, अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच परमाणु प्रोजेक्ट की एक गुप्त डील हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट का नाम कॉन्डर है और इसके तहत बॉम्ब नहीं बल्कि इस बार परमाणु मिसाइल्स बनाई जाएंगी। एजेंट थॉमस से मिली इस इंटेलिजेंस को जर्मनी में एक्टिव मोसाद के एजेंट्स भी वेरीफाई करते हैं और CIA में एक्टिव मोसाद के डीप डबल एजेंट जोनाथन पोलार्ड से भी इस बात की पुष्टि करवाई जाती है। जोनाथन पोलार्ड द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इजिप्ट और अर्जेंटीना के कई साइंटिस्ट और कंपनीज प्रोजेक्ट कॉन्डर के ऊपर काम करना शुरू कर चुके थे। इस प्रोजेक्ट के तहत इराक के लिए परमाणु क्षमता वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाई जानी थीं, मिसाइल्स जिनका इस्तेमाल कर सद्दाम हुसैन केवल एक बटन दबा पूरे इसराइल को बर्बाद कर सकता था। एक बार फिर इजरायली इंटेलिजेंस की प्रायोरिटी लिस्ट में इराक का नाम टॉप पर आ जाता है। मोसाद को इंटेलिजेंस मिलने के कुछ हफ्ते बाद प्रोजेक्ट कॉन्डर में शामिल किसी कंपनी के ऑफिस में आग लगने लगती है तो किसी के यहाँ तोड़फोड़ और लूटपाट जैसी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे वैज्ञानिकों के घरों और दफ्तरों में धमकी भरी फोन कॉल्स और चिट्ठियां भी आने लगती हैं। मोसाद द्वारा कुछ वैज्ञानिकों की एक हिटलिस्ट भी तैयार कर ली जाती है, लेकिन भाग्यवश इसके ऊपर एक्शन लेने की नौबत ही नहीं आती। अपने दफ्तरों में हो रही लूटपाट, अगजनी और मोसाद की दूर दूर तक फैल चुकी दहशत इन वैज्ञानिकों को डराने के लिए पर्याप्त साबित होती है। प्रोजेक्ट कॉन्डर में काम कर रहे वैज्ञानिक एक एक करके रिजाइन करने लगते हैं और अर्जेंटीना और इजिप्ट की सरकारें भी इराक के साथ हुई इस डील से चुपचाप पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझती हैं। जब इराक में सद्दाम को एक खबर मिलती है तो वो अर्जेंटीना और इजिप्ट से बातचीत करने के लिए जिम्मेदार जनरल को खुद अपने हाथों से गोली मारता है। सद्दाम समझ चुका था कि अब दुनिया का कोई भी देश उसके साथ डील नहीं करने वाला, इसीलिए अब वो रोग साइंटिस्ट
यानी कि ऐसे वैज्ञानिकों की तलाश में लग जाता है जो किसी देश के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए काम करते हों। उसकी तलाश कैनेडियन मूल के जेराल्ड बुल नामक एक वैज्ञानिक पर जाकर खत्म होती है। बेल्जियम में रहने वाला एक सन की जीनियस जो अतीत में नासा, यूएस आर्मी, कैनेडा और यहाँ तक कि इसराइल के लिए भी काम कर चुका था। अपनी पहली मीटिंग में सद्दाम जेराल्ड बुल के सामने एक साइफाई नॉवल रख देता है जिसका टाइटल था फ्रॉम द अर्थ टू द मून। जूल्स वर्ने द्वारा लिखे गए इस नॉवल में एक ऐसी सुपर कैनन का जिक्र था जो बड़े बड़े बॉम्ब्स को हजारों मील की दूरी पर फेंक सकती थी, और सद्दाम को भी बिल्कुल ऐसी ही सुपर कैनन चाहिए थी। कैनन जो बगदाद से बैठे बैठे तेहरान और तेल अवीव के ऊपर दैत्यकाय बॉम्ब्स की बारिश कर सके। सद्दाम के साथ काम करने वाले लोग जानते थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े सनकी के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि एक साइफाई किताब के हथियार को वास्तविक जीवन में बनाना कतई संभव नहीं है और अब सद्दाम पूरी तरह पागल हो चुका है, लेकिन वो गलत सोच रहे थे क्योंकि जेराल्ड बुल नाम का एक पूर्व नासा वैज्ञानिक सद्दाम से भी कहीं बड़ा पागल था। वो सद्दाम को विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा बनाई जाने वाली सुपर कैनन नॉवल की कैनन से कहीं ज्यादा घातक होगी क्योंकि उसकी कैनन के पास लॉन्ग रेंज के साथ साथ डेड आई एक्यूरेसी भी होगी और उसका इस्तेमाल कर दुश्मन के ऊपर कन्वेंशनल के अलावा बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरहेड्स को भी लॉन्च किया जा सकेगा। 1989 के मध्य में सुपर कैनन का पहला प्रोटोटाइप बगदाद से 125 किलोमीटर दूर इंस्टॉल कर दिया जाता है और जेराल्ड और सद्दाम की उपस्थिति में इस महातोप के 3 ट्रायल्स भी किए जाते हैं। इन ट्रायल्स के नतीजे सद्दाम की अपेक्षाओं के अनुसार तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि जेराल्ड ने उसको विश्वास दिलाया था कि केवल कुछ ही महीनों के अंदर ये सुपर कैनन बिल्कुल वैसे ही काम कर रही होगी जैसा कि उसने वचन दिया है। जेराल्ड बुल के इन वादों के पीछे का कारण सद्दाम का डर नहीं बल्कि उसका एक्सपीरियंस था। यूएस और कनाडा के लिए बिल्कुल ऐसे ही प्रोजेक्ट पर वो पहले भी काम कर चुका था और सुपर कैनन बनाने के बहुत ज्यादा करीब भी आ गया था। A 23-foot rocket is fired from a launching site at Fort Churchill, Manitoba. It will be Canada's first ballistic missile. A new weapon born here in a marriage of hard work and ingenuity. सद्दाम के लिए काम करने वाले बाकी वैज्ञानिकों की तरह जेराल्ड को भी मोसाद से धमकी भरे कई खत मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर देता है और ब्रसल्स में स्थित अपनी कंपनी की लैब में सद्दाम के इस प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात काम करने में लगा रहता है। March 22, 1990 की शाम अपना काम खत्म करने के बाद जेराल्ड अपनी गाड़ी में बैठ लैब से घर के लिए निकलता है। कोई 15 मिनट बाद अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंच वो अपनी गाड़ी को सड़क किनारे पार्क कर देता है। गाड़ी से बाहर निकल हमेशा की तरह अपने आप से बातें करता हुआ वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर जाता है और अपने ब्रीफकेस को बगल में दबा अपनी जेब में वो घर की चाबियां ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके पीछे से मोसाद के 3 एजेंट्स प्रकट होते हैं और इनमें से एक एजेंट अपनी मैकारोव पिस्टल से उसके ऊपर एक के बाद एक कुल 5 गोलियां फायर कर डालता है। दो गोलियां उसके सर में लगती हैं जबकि 3 कमर के आर पार हो जाती हैं और जमीन पर गिरने से बहुत पहले ही जेराल्ड बुल नाम का ये सनकी वैज्ञानिक अपने जीवन की आखिरी सांस भर चुका होता है। जेराल्ड के नीचे गिरते ही दूसरा मोसाद एजेंट अपनी जेब से कैमरा निकाल उसकी फोटोज खींचने लगता है और इस पूरे टाइम के दौरान बिल्डिंग के मेन गेट पर खड़ा तीसरा एजेंट चारों तरफ कड़ी नजर बनाए रखता है। अगले दिन की सुबह होते ही जेराल्ड की फोटोज को उसकी कंपनी स्पेस रिसर्च कॉरपोरेशन के दफ्तर भिजवा दिया जाता है और इन फोटोज के साथ एक छोटा सा नोट भी अटैच किया जाता है। अगर कल से कोई भी यहाँ काम पर आया तो उसका भी बिल्कुल ऐसा ही अंजाम होगा। अगले दिन से एक भी कर्मचारी यहाँ काम पर नहीं आता और जल्दी जेराल्ड बुल की ये कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जब सद्दाम को एक खबर मिलती है तो अपना आपा खो बैठता है और पूरे देश को संबोधित करते हुए कहता है, मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जल्दी इसराइल नाम के इस कूड़ेदान को अपने गुस्से की आग से जला के राख बना दूंगा। परमाणु ताकत बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए सद्दाम अब तक अरबों डॉलर्स में आग लगा चुका था। उसके इस पागलपन ने इराक को कंगाली और इराकियों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था
और शायद इसीलिए अब वो कुवैत के ऊपर रुमाइला ऑयल फील्ड का गैर कानूनी इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए पूरे $10 बिलियन की मांग कर रहा था। इसके जवाब में कुवैत उसके सामने $500 मिलियन की काउंटर ऑफर रख देता है, लेकिन कुवैत की ऑफर सद्दाम को किसी घोर अपमान से कम नहीं लगती और वो अपनी फौज को तुरंत कुवैत के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दे देता है। गुस्से और अहंकार के नशे में दिया गया एक आदेश जो सद्दाम के जीवन की अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। For the US response, we go now live to CNN's Wolf Blitzer live at the Pentagon. इधर सद्दाम कुवैत के ऊपर चढ़ाई करता है और उधर कुवैत का साथ देने के लिए 35 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय कोएलिशन इस युद्ध में कूद पड़ता है। एक कोएलिशन जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस और यहां तक कि सऊदी, इजिप्ट और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी शामिल थे। सद्दाम को कुवैत से धकेलने के लिए जनवरी 1991 में इस कोएलिशन द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप फरवरी के अंत में इराकी फौजें कुवैत छोड़ भाग खड़ी होती हैं। सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया के सामने अपनी हार तो माननी ही पड़ती है, लेकिन साथ ही यूएन द्वारा अपने देश में WMD इंस्पेक्शन के लिए अनुमति भी देनी पड़ जाती है। This war is now behind us. Ahead of us is the difficult task of securing a potentially historic peace. Good night and may God bless the United States of America. इराक में बनी वेपन फैसिलिटीज की जांच करने के बाद यूएन इंस्पेक्टर्स खुलासा करते हैं कि सद्दाम एक बार फिर परमाणु बम बनाना शुरू कर चुका था, लेकिन भाग्यवश उसका यह प्लान अभी कागजों तक ही सीमित था। खाड़ी युद्ध के बाद यूएन का एटॉमिक एनर्जी कमीशन इराक के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है, एक रिपोर्ट जो फ्रांस और यूके जैसे उन देशों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा थी जो इराकी वैज्ञानिकों की मृत्यु को ले मोसाद की घोर आलोचना करते आ रहे थे। UNAC द्वारा जमा कराई गई इस रिपोर्ट के अनुसार यदि कुवैत के ऊपर आक्रमण करने से पहले इराक एक परमाणु ताकत बन गया होता तो फिर 135 देशों का कोएलिशन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और इतिहास के पन्नों में मिडल ईस्ट और शायद पूरी दुनिया का नक्शा भी आज कुछ और ही होता।